कुदेव जो पीएससी मा होके बवाल, दिन रात पढ़ना है मजा वो धमाल, काम कर ले थसरे टेंशन, अरे काम कर ले थसरे टेंशन, जब अफसर बन के ते कर पे धमाल। ये कैसे होगा सर? हेलो एंड वेलकम बैक टू टॉप एमसीक्यू सीरीज ऑफ कोको। जैसा कि आप जानते हैं, हम एमसीक्यू के माध्यम से आपका सीजीपीएससी का पूरा सिलेबस कवर करा रहे हैं। जिसमें बेनिफिट, पहला बेनिफिट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर अपकमिंग एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं वो सब आपको मिलेंगे, पहला चीज़ ये है। दूसरा चीज़ क्या होगा कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आपको बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बजाय आपको सिर्फ वही मैटर मिलेगा जो आपको एग्ज़ाम टाइम में हेल्प करेगा, आपको कम समय में आप ज़्यादा तैयारी कर सकें। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा टाइम एंड वर्क, जिसे हम कहते हैं समय एवं कार्य, समय एवं कार्य। ये टॉपिक को हम दो पोर्शन में डिवाइड करके पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा वास्ट है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि टाइम एंड वर्क में पहला आपको पर्संस आता है जाता है वो वाला, उसके बाद उसके एफिशिएंसी मेथड हुआ, उसके बाद यूनिटरी मेथड हुआ, वेजेस मेथड हुआ, और इसी के साथ में हम कवर करेंगे पाइप्स एंड सिस्टम्स। इसीलिए टाइम एंड वर्क दो पार्ट में बनेगा, पार्ट वन एंड पार्ट टू। वीडियोस पूरा देखना, कहीं पर डाउट आएगा तो जब मैं लाइव सेशन में आऊँगा तो उस लाइव सेशन में अपने डाउट्स को क्लियर कर लेना। ठीक, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं टाइम एंड वर्क के। ऑब्वियसली कहीं पर भी क्या होगा, कहीं पर भी कुछ कोई सा भी एक कार्य होगा तो उस कार्य को करने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी तो उस कार्य को करने में कुछ समय लगेगा। समय आपका दिन में दे सकता है, घंटे में दे सकता है, मिनट में आपको दे सकता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के आपके अलग अलग मेथड होते हैं। जो पहला मेथड होता है वो आपका होता है वन डे मेथड, जहाँ पर हम पूरे कार्य को एक मान के चलते हैं या फिर 100% मान के चलते हैं पूरे कार्य को। और जो दूसरा है उसको हम बोलते हैं LCM या फिर यूनिट मेथड। ठीक है, तो क्वेश्चन के प्रायोरिटी के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि क्वेश्चन आपको यूनिट मेथड से सरल पड़ेगा कि वन डे मेथड से सरल करेगा। तो इसमें हम नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, तो धीरे धीरे आपको ये आइडिया होना चालू हो जाएगा कि आपको उसमें किस जगह क्या सॉल्व करना है, कौन सा मेथड आपके लिए सबसे कन्वीनियंट आपके लिए रहेगा। ठीक है, जब बात वन डे मेथड का होता है तो यहाँ पर पूरे वर्क हम क्या लेके चलेंगे, 1 लेके चलेंगे और 100% लेके चलेंगे। और जब यूनिट मेथड होगा हम डेज के हिसाब से LCM निकाल के हम यूनिट को काउंट करेंगे। ठीक, फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं, मान लो ए एक व्यक्ति है, वह एक कार्य को 20 दिनों में समाप्त करता है। ए एक व्यक्ति है, वह उस कार्य को 20 दिनों में समाप्त करता है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, ए एक दिन में इसका 20वां भाग काम करेगा, क्योंकि पूरा कार्य करने में 20 दिन लग रहा है, तो एक दिन में क्या करेगा, 1/20 काम करेगा। इसका उल्टा, अगर सपोज आपको एक दिन का काम आपका आ गया है, उसको जस्ट रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास कंप्लीट वर्क आ जाएगा। इस चीज़ को याद रखना, फिर से बता रहा हूँ, एक का 20 दिन का काम, अगर एक काम को 20 दिन में करता है तो एक दिन में 1/20 काम को करेगा। और इसी का इन्वर्स, अगर सपोज हमारे पास एक का एक दिन का काम 1/20 आ गया है तो पूरा कार्य क्या हो जाएगा, जस्ट उसका ऑपोजिट हो जाएगा, 20/1 हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, 20 days हमारे पास हो जाएगा। ठीक, अब ऐसा मान लेते हैं कि ए ने 8 दिन तक काम किया, तो एक दिन में 1/20 काम कर रहा है, तो 8 दिन में उसके द्वारा किया गया काम 2/5 है, 2/5 काम उसने समाप्त कर चुका है। हमको बोलेगा शेष कार्य कितना बचा है, रिमेनिंग वर्क कितना बचा है, तो वो हमारे पास होगा 1 - 2/5, तो ये होगा 3/5। तो शेष कार्य कितना बचा है, 3/5 कार्य हमारे पास बचा है। ठीक है, ये हमारा पहला
यूनिट मेथड, सॉरी वन डे मेथड। अब जब बात करेंगे यूनिट मेथड का, तो हम ये मान लेते हैं कि ए एक कार्य को 20 दिनों में समाप्त करता है, बी उस कार्य को 60 दिनों में समाप्त करता है। ए ले रहा है 20 दिन, बी ले रहा है 60 दिन। तो ये पूछेगा कि दोनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, या दोनों ने 4 दिन तक काम किया तो कितना भाग खत्म हुआ, कितना बचा, उस टाइप वाला क्वेश्चन। तो ए 20 दिन ले रहा है, बी 60 दिन ले रहा है, तो हमने ये दोनों का लघुत्तम समापवर्ती निकाला और वो निकला 60। तो इसका मतलब टोटल मेरे पास 60 यूनिट काम है, मतलब ए और बी दोनों को मिलके 60 यूनिट काम को करना है, ठीक है। अब ए क्या कर रहा है, उस कार्य को करने में 20 दिन ले रहा है, ए उस कार्य को करने में 20 दिन ले रहा है और उसको 60 यूनिट काम करना है। तो ए एक दिन में जब 20 को 60 को 20 से भाग करेंगे तो कितना यूनिट आएगा, ए का आएगा एक दिन में 3 यूनिट काम आएगा, ठीक है। जब बात बी का करेंगे 60 के हिसाब से, वह कितना काम आएगा, एक यूनिट हमारे पास काम आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों मिलके अगर मान लो एक दिन काम करते हैं, अगर ए और बी दोनों मिलके अगर एक दिन काम करते हैं तो 3+1 कितना हो जाएगा, 4 यूनिट काम होगा। और इस 60 यूनिट काम को करने के लिए कितना दिन लगेगा, 60/4, ठीक है। तो ये था हमारा टाइम एंड वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे प्रगति करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए, ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर बोला है, ए दिया है, ए एक कार्य को 36 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उस कार्य को 32 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो पहला काम, ये दोनों का हमने लघुत्तम निकाला, लघुत्तम आया 288, ये सबसे पहला काम आया। इसका मतलब ए और बी को दोनों को मिलके 288 यूनिट हमारे पास काम करना है। अब ए उसको करने में 36 दिन ले रहा है, 288 यूनिट ए को करने में कितना दिन ले रहा है, 36 दिन ले रहा है। तो ए एक दिन में कितना यूनिट काम किया, 8 यूनिट काम किया। सेम बी एक दिन में करेगा 9 यूनिट काम करेगा, ठीक है। एक दिन में कितना करेगा, 8 यूनिट, और बी एक दिन में कितना करेगा, 9 यूनिट। इसका मतलब एक दिन में जो ए है और जो बी है दोनों मिलके 8+9 17 यूनिट काम को कर रहे हैं, ठीक है भाई। अब दोनों ने क्या 12 दिन तक काम किया है, तो 12 दिन तक 12×17=204 यूनिट काम को समाप्त कर चुके हैं, ठीक है। 288 में 204 यूनिट को ए और बी ने 12 दिनों में समाप्त कर लिया, ठीक। हमको बोला है कि शेष भाग कितना बचा रहेगा, तो 288 में से 204 काम तो हो चुका है, तो बचा हमारे पास कितना, हमारे पास 84 यूनिट काम बचा है, ठीक। और ये पूरे काम का कितना भाग है, पूरा काम कितना लेके चले हैं, 288, 12 से काटे 7 बार में, 12 से काटे 24 बार में, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 7/24, ये हमारा आंसर। याद रखिएगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो आपको एग्जाम में पूछने के हिसाब से काम आएगा। ये आपको दिया है ए कैन डू 50% ऑफ जॉब, मतलब ए जो है ना, ए 50% काम, ए 50% काम को कर रहा है कितने दिनों में, 16 दिन में, एक बार में, दो बार में। इसका मतलब ए पूरे कार्य को 32 दिनों में समाप्त करेगा, ये हमारा पहला भाग, ठीक। बी क्या कर रहा है, बी कर रहा है 1/4 काम को 24 दिनों में समाप्त कर रहा है। तो बी का जो स्पीड हुआ ना, 24×4 कितना हो गया, बी जो है 96 डेज हमारे पास ले रहा है, क्लियर हुआ। अब आगे कहानी ये बोल रहा है, अगर दोनों साथ काम करे तो 3/4 भाग को कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक है। तो पहला काम,
क्यों, काम के 3/4 भाग को बोल रहा है, पूरा काम अपन ले लेते हैं। तो पूरा काम हम जब लिए ना, तो ये दोनों का एलसीएम कितना आया, 96। मतलब पूरा काम 96 यूनिट है, तो ए एक दिन में 32 के हिसाब से 3 यूनिट काम करेगा, और ये एक दिन में 96 के हिसाब से 1 यूनिट काम करेगा। देखिए पूरा काम 96 यूनिट है, लेकिन हमको यहाँ पर क्या बोला है, 3/4 काम, 3/4 काम बोला है। तो 96 का 3/4, 96 का 3/4 कितना हुआ, 72। मतलब मुझे सिर्फ 72 यूनिट काम को करना है, और इसका एक दिन में 3 यूनिट है, इसका एक दिन में 1 यूनिट है, तो दोनों का एक दिन में 4 यूनिट काम हुआ, 4 से डिवाइड किए तो हमारे पास कितना आया, 18। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ए अकेला एक कार्य को 72 दिनों में समाप्त करता है, ए और बी दोनों मिलकर उसे 40 दिनों में समाप्त करते हैं। हमने दोनों का लघुत्तम निकाला, ये दोनों का लघुत्तम हमारे पास आया 360। मतलब टोटल 360 यूनिट हमारे पास काम है। ठीक, इसमें ए का हम देखेंगे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। बी का हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। इतना ही आया है। ठीक, मतलब ए एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा, बी के यहाँ पे क्या करेगा, 9 यूनिट काम करेगा। ठीक, और टोटल काम कितना, 360 यूनिट है। अब ध्यान देंगे, ए अकेला 5 यूनिट काम कर रहा है और ए और बी मिलकर 9 यूनिट काम कर रहे हैं, तो बी का कितना आ जाएगा, बी हमारे पास ऑब्वियसली क्या होगा, 4 यूनिट काम करेगा। बी एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा और टोटल 360 यूनिट काम करना है, तो यहाँ समय का अवधि कितना होगा, 90। ये हमारा आंसर है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, पिता अकेले किसी कार्य को 72 दिन में पूरा कर सकता है, पिता अपने पुत्र की मदद से उस काम को 40 दिनों में समाप्त करता है, तो पुत्र अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ये प्रश्न आपको इस तरीके से भी आपको कंफ्यूज करके पूछ सकता है। ये हमारा पहला यूनिट वाला मेथड हुआ। ठीक है, कौन सा हुआ, यूनिट वाला मेथड हुआ। इसको हम और भी कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर जब आपका एक अकेले का देगा और दोनों का देगा और दूसरे का निकालना बोलेगा, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, ए अकेला कितना है, 72, बी ए और बी कितना है, 40, ये दोनों में डिफरेंस कितने का हुआ, 32 का डिफरेंस हुआ, 18 पंचे कितना हुआ, 90। ये हमारा आंसर, इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ए एक हाउस को पेंट कर रहा है, कितने दिन में, 55 दिन में, तो मतलब एक कार्य ही कर रहा है। ठीक, तो ए कितना दिन ले रहा है, ए ले रहा है 55 दिन, बी ले रहा है 66 दिन और सी ले रहा है 12 दिन। तीनों का लघुत्तम निकालें, तीनों का लघुत्तम आया 660। मतलब मेरे पास टोटल 660 यूनिट काम है। ए 55 दिन में कर रहा है, तो ए एक दिन में 12 यूनिट, ये 66 दिन में कर रहा है 10 यूनिट, और तीनों मिलकर, यहाँ पर ए बी और सी है ना, हाँ ए बी और सी मिलकर है 12। 12 से डिवाइड किए तो कितना हुआ, 12 × 5 = 60, ये कितना आया, 55 दिन। ठीक है, अब ए कर रहा है 12 यूनिट काम, बी कर रहा है 10 यूनिट काम, और ए बी और सी मिलकर कितना कर रहे हैं, 55 यूनिट काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो सी होगा वो कितना आ जाएगा, 55 − 12 − 10 = हमारे पास आ जाएगा 33 यूनिट काम। मतलब एसी अकेला एक दिन में 33 यूनिट काम कर रहा है, और इस 330 यूनिट को काम करने में उसे कितना समय लगेगा, सॉरी ये 30 है ना, 33 है, सॉरी ये कटा तो कितना दिन लगेगा, 20। ये हमारा उत्तर आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपको दिया है कि ए और बी काम को 40 दिनों में समाप्त करते हैं, बी और सी इस काम को 36 दिनों में समाप्त करते हैं, और ए बी और सी तीनों मिलके इस काम को 24 दिनों में समाप्त करते हैं। ठीक है ना,
पहला काम तीनों का लघुत्तम निकाले, ये आया 360। इससे भाग किए तो एक दिन में 9 यूनिट, एक दिन में 10 यूनिट और एक दिन में 15 यूनिट। तो समीकरण हमारे पास कुछ इस तरीके से बना, अगर ए और बी काम करते हैं एक दिन में तो 9 यूनिट काम है, ठीक है भाई। बी और सी करते हैं एक दिन में तो कितना यूनिट काम है, बी और सी मिलके एक दिन में 10 यूनिट काम कर रहे हैं। तो ये दोनों को योग किए तो ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आया, 19। और हमको दिया है कि ए बी और सी मिलके उसको 15 दिन में कर रहे हैं, ए बी और सी मिलके 15 दिन, तो 15 प्लस बी किए तो हमारे पास 19 आया, जिसमें बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। मतलब बी एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा और उसे टोटल 360 यूनिट का काम करना है तो उसे कितने दिनों की आवश्यकता होगी, 90 दिनों की आवश्यकता उसको होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ध्यान देखना, नया तरीका आपको सीखने मिलेगा। ए को किसी कार्य को पूरा करने में बी द्वारा लिए गए समय से 12 घंटा कम लगे होंगे यदि उनमें से प्रत्येक ने अकेले काम किया हो। मतलब बी जितना भी समय लेगा ना, ए उससे क्या करेगा, 12 घंटे कम लेगा। तो इसका मतलब अगर मान लो बी अगर एक्स लिया है तो ए कितना लिया, एक्स माइनस 12, क्योंकि बोला है कि ए उस कार्य करने में बी द्वारा लिए गए समय से 12 घंटा कम लेगा। एक साथ काम करते हुए उन्हें दोनों को 17.5 घंटे लग रहे हैं, कितना लग रहा है, 17.5 घंटे उसको लग रहे हैं। तो इसका मतलब 17/10 तो ये हुआ 35/2, ठीक है। हमारे पास कितना आ गया, 35/2 हमारे पास आ गया। मतलब अगर दोनों मिलेंगे तो दोनों मिलके उस काम कितने में करेंगे, 35/2 में करेंगे। ऊपर हम देखते हैं कितना आ रहा है, 35 आ रहा है। 35 7 का गुणज होता है और 5 का गुणज होता है, किसका गुणज, 5 और 7 का गुणज होता है। तो इसमें कौन सा उत्तर है जो 7 से भाग जाएगा, एक ही ऑप्शन है जो 7 से भाग जाएगा, 21। तो डायरेक्टली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 21, ठीक है। ये पहला तरीका। अब मन में अगर ये बात होगा, सर अगर ऐसा दो ऑप्शन होगा तब हम क्या करेंगे, या 5 वाला ऑप्शन हो तब भी हम क्या करेंगे, ठीक। ये तो हम समझ गए हैं कि ए और बी में कितने का फर्क है, 12 दिनों का फर्क है, क्योंकि ए क्या करेगा, 12 दिन यहां पर क्या लेगा, कम लेगा। तो ऑब्वियसली बी क्या करेगा, 12 दिन यहां पर क्या लेगा, ज्यादा लेगा। ये हम समझ चुके हैं, क्या समझ चुके हैं, समझ चुके हैं। और हम ये भी समझ चुके हैं कि ए और बी, और बी और ए के बीच में कितने का अंतर होगा, 12 का अंतर होगा, ये हम समझ चुके हैं। इस 35 को गुणनखंड में तोड़े तो कितना आया, 7 × 5, 7 × क्या हुआ, 5। ये हम समझ गए, 7 × के यहां पर क्या है, 5 आया। दोनों में कितने का फर्क है, 2 का फर्क है। जब 2 का फर्क है तो इसका वैल्यू कितना आया है, 7, और इसका वैल्यू कितना आया है, 5, ठीक। यहां पर फर्क कितने का, 12। इसका मतलब 2 को किससे गुना करेंगे तो 12 आएगा, तो 6 से गुना किए, तो इसको गुना किए हम किससे, 6 से, तो यहां पर ये आया 42, और जब इसको 6 से किए तो यहां पर आया 30। तो हम ये समझ गए हैं कि बी कितना लेगा, बी लेगा उस काम को करने के लिए 42 दिन, और ए कितना लेगा, 30 दिन लेगा। बी उस पूरे काम को करने के लिए 42 दिन लेगा। हमको काम का कितना करना है, सिर्फ 50% पूरा करना है, इसीलिए हम समझ सकते हैं हमारा आंसर क्या आ गया है, 21 हमारा आंसर आ गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान देखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक। चलिए, एक किसी कार्य का 2/5 भाग 9 दिनों में पूरा कर सकता है, फिर बी उसके साथ जुड़ जाता है और दोनों मिलकर शेष काम को 6 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए, ए का क्या कंडीशन रख रहा है, ए 2/5 भाग को 9 दिनों में पूरा कर रहा है, तो ए का टोटल जो स्पीड होगा काम करने का कितना होगा, 45/2 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए पूरा काम को 45/2 में करेगा, तो ए का एक दिन का काम 2/45। यहां तक क्लियर हुआ।
अब भी उसके साथ जुड़ जा रहा है और शेष कार्य को 6 दिनों में पूरा कर रहा है, जो बचा हुआ काम वो 6 दिनों में पूरा कर रहा है, भी जुड़ गया। तो अब यहाँ पे 2/5 भाग काम हो चुका है, तो कितना काम बचा है? इतना काम बचा है। यही 3/5 काम को 6 दिन में ए और बी मिलके कर रहे हैं। तो इसका मतलब 6 दिन तक ए मिला और बी मिला और ये 3/5 काम को समाप्त कर लिया है। ठीक, मान लेते हैं बी उस कार्य को एक्स दिनों में समाप्त कर रहा है, ठीक है ना। तो ए का 1 दिन का काम 2/45, बी का 1 दिन का काम 1/x बराबर 3/ क्या हुआ 5। ये इधर आया तो यहाँ पर क्या होना, 5 छक्के कितना हुआ 30, ये कटा तो बचा कितना 1/10। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, 1/x बराबर 1/x बराबर 1/10 माइनस 2/ यहाँ पर क्या हुआ 45। लघुत्तम हमारे पास आया 90, 10 से किए तो यहाँ पे 9, इससे किए तो 2, 2 × 4, तो 5/90 बराबर 1/18। तो B का 1 दिन का काम 1/18 है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेगा, 18 दिनों में समाप्त करेगा। A, B, C कितना कितना दिन, A 24 दिन, B 20 दिन और C 18 दिन। तीनों का LCM निकाले, ये आया 360। ये 1 दिन में, ये 1 दिन में 15 यूनिट, ये 1 दिन में 18 यूनिट और ये 1 दिन में 20 यूनिट काम कर रहे हैं। ये इस प्रकार काम कर रहे हैं। टोटल हमारे पास 360 यूनिट काम है, जिसमें ए अकेला 1 दिन में 15 यूनिट, बी 18 यूनिट और सी क्या कर रहा है 20 यूनिट काम कर रहा है। अब क्या बोला है, बोला है कि बी और सी कार्य शुरू करते हैं और 6 दिन तक काम करते हैं। 6 दिन तक कौन काम किया, बी और सी ने 6 दिन तक काम किया। 1 दिन काम करेंगे तो कितना होगा 18/20 गुणित 6 दिन, तो 38 × 6 बराबर कितना हो जाएगा 228। ठीक है ना, 6 × 18 इतना हो जाएगा अपने पास। ठीक, शेष कार्य को 228 यूनिट काम हो चुका है। ठीक, तो बचा कितना काम है, बचा हमारे पास 360 में से 228 गया, तो हमारे पास बचा कितना, दो बचा यहाँ पर, हमारे पास 3 बचा और यहाँ पर 1 बचा, 132 यूनिट काम हमारे पास बचा है। और वो 132 यूनिट कौन काम कर रहा है, ए ले रहा है। कितना ले रहा है, ए ले रहा है। तो ए से हम यहाँ पर क्या किए, उसको डिवाइड किए और ए का दिनों का संख, एक में कितना कर रहा है 15 यूनिट काम कर रहा है, 15 से डिवाइड किए, 3 से किए तो 44, 3 से किए तो 5, तो ये हो जाएगा 8, 4/5 ये हमारा आंसर। ठीक है, अच्छा मैथ्स में क्या होता है, हम एक कॉमन गलती करते हैं। कॉमन गलती क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं और फिर हम ये चेक करते हैं कि हमको निकालना क्या है। हम जब पूरा प्रश्न पढ़ते हैं तो पूरा प्रश्न पढ़ने के बाद क्या करते हैं, हम उसको मन में सॉल्व करते हैं या उसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने का और एक एजम्पशन करते हैं कि ये हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो हम आगे प्रोसेस रखते हैं और अगर नहीं बनेगा तो हम उसको वहीं पर क्विट कर देते हैं। मैथ्स में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप समीकरण क्वेश्चन पूरा पढ़ने के बजाय आप क्वेश्चन को पढ़ना चालू किया और जो जो आपको दिया हुआ है ना उसको आप कॉपी में उतारते चले, तो जब आपको स्टेप्स आपको दिखने चलेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग काम करेगा और आपको आगे के स्टेप खुद ब खुद समझ में आने चालू होंगे। लेकिन आप ये सोचेंगे कि मैं पूरा प्रश्न पढ़ूंगा उसके बाद एक कंक्लूजन पे आऊँगा और उसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन करूँगा, तो ऐसा हो सकता है कि आपसे पूरे प्रश्न ना बने और कुछ प्रश्न में आपको पढ़ के आपको दिक्कत हो। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले प्रश्न में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न यह है कि ए 2/5 काम को 6 दिन में कर रहा है। ए 2/5 काम को 6 दिन में 30/2, तो ए पूरे कार्य को 15 दिनों में समाप्त करेगा।
बी का कंडीशन क्या बोल रहा है? बी बोल रहा है कि भाई मैं 2/3 काम को 6 दिनों में 12 दिनों में समाप्त कर रहा हूँ, तो 12 × 36/2 कितना हो जाएगा? 18। मतलब ए पूरे काम को 15 दिन में करेगा, ए पूरे काम को 18 दिन में करेगा, तो दोनों का लघुत्तम हमारे पास 90 आया, तो हमारे पास कुल काम कुल 90 यूनिट काम हुआ, जिसमें ए एक दिन में 6 यूनिट और बी एक दिन में 5 यूनिट काम को कर रहा है। ए और बी ने 6 दिन तक काम किया, ये एक दिन में 11 यूनिट काम कर रहे, तो 6 दिन में कितना यूनिट काम कर लिया? 66 यूनिट काम कर लिया। ठीक, ये काम हो चुका है, तो बचा कितना काम है हमारे पास? 24 यूनिट काम बचा है, और 24 यूनिट काम को सी अकेला 8 दिनों में कर रहा है। मतलब इस 24 यूनिट काम को करने के लिए उसे 8 दिन लग रहे हैं, तो एक दिन में वह कितना यूनिट काम किया? वह एक दिन में 3 यूनिट काम को किया है। ठीक, हमको अब बोला है कि ए और सी एक साथ काम करते हुए समान कार्य को कितने दिन पूरा करेंगे, तो पूरा कार्य कितना है? 90। सी का कितना आ गया? एक दिन में 3 यूनिट। अब बोला ए और सी कर रहे हैं, ए और सी कर रहे हैं, 6 × 3 कितना हुआ? 9। एक दिन में 9 यूनिट काम हो रहा है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? 10 दिनों में समाप्त होगा। चलिए अगला प्रश्न आते हैं। अच्छा, ये हो गया, इन हाउ मैनी है ना, ये इन हाउ मैनी है, तो विशाल इस कार्य को अकेले कई कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, एफिशिएंसी कार्य क्षमता या कार्य दक्षता, ठीक है, व्यक्ति की कार्य कुशलता जिसे हम एफिशिएंसी कहते हैं, एफिशिएंसी और नंबर ऑफ डेज, एफिशिएंसी और नंबर ऑफ डेज ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सॉरी, क्यों? जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी वो दिन क्या होगा? कम लेगा, और जिसकी एफिशिएंसी कम होगी वो दिन यहाँ पर क्या लेगा? ज़्यादा लेगा। मतलब अगर ए और बी बोला, अगर मैं ए और बी को एक कार्य को करने में 10 दिन और 15 दिन लगते हैं, तो उनकी जो एफिशिएंसी होगी वो जस्ट इन्वर्स हो जाएगा, 10 और क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, 5 से कटेगा 3 बार में 5 से कटेगा कितने बार में? 2 बार में। क्लियर हुआ? तो एफिशिएंसी और दिन, कार्यक्षमता और कार्यकुशलता और दिनों की संख्या करने में वो यहाँ पर क्या होगा? इन्वर्स रेशियो होगा। जो दिन ज़्यादा लेगा उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? कम होगी, और जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वो नंबर ऑफ डेज क्या लेगा? कम लेगा। उस चीज़ को याद रखना। अब ये प्रश्न यहाँ पर बोला है कि विवेक के काम करने को, विवेक के साथ में यहाँ पर दिन दिया हुआ और यहाँ पर ले लेते हैं एफिशिएंसी को, तो विवेक एक काम को करने में 14 दिन ले रहा है। विवेक कितना दिन ले रहा है? 14 दिन ले रहा है, लेकिन बात विशाल की कर रहा है। विशाल यहां पर क्या कर रहा है? 75% मोर एफिशिएंट, ज्यादा अधिक कुशल है। तो अगर विवेक अगर 100% कुशल होगा, तो जो विशाल होगा, विशाल यहां पर कितना होगा? 175% एफिशिएंट होगा। 25 से काटे 4 बार में, 25 से काटे 7 बार में, तो यहां पर जो दिन होगा ना, मतलब जो एफिशिएंसी है वो किस रेशियो में? 4 और 7 के अनुपात में। मतलब ये 4x दिन लेगा और ये कितना लेगा? 7x दिन लेगा। ठीक, ये एफिशिएंसी है, तो दिनों की संख्या में क्या हो जाएगा? ये ज्यादा एफिशिएंट है, नंबर ऑफ डेज क्या होगा? कम लेगा, और ये क्या लेगा अपने पास? ज्यादा लेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? ये जो हुआ 7x, क्योंकि अब दिन साथ में क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी के साथ में क्या होता? ऑपोजिट होता है, ऑपोजिट होगा। ठीक है ना, तो इसीलिए यहां पर जो 7x है वो किसके बराबर आ गया? 14। तो x कितना आ गया ऑटोमेटिकली? 2। यहां पे 4x दिया है, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा? 8। तो विशाल उस काम को करने में 8 दिन लेगा। ए और बी ने काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया और पूरा काम 24 दिन में पूरा हुआ। ज्ञात कीजिए ए कितने दिनों बाद यहाँ पर समाप्त हुआ, यदि ए और बी क्रमशः 25 और यहाँ पे 40 दिनों में पूरा कर सकते। ठीक, अपने क्या करना, अपने को निकालना है कि ए कितने दिनों बाद यहाँ पर काम को छोड़ के गया, हमको वो निकालना है।
ये हम जानते हैं कि पूरा जो काम है ना, ये पूरा काम 24 दिनों में समाप्त हो रहा है, ठीक है। ए कितना ले रहा है, ए ले रहा है 25 दिन, और बी कितना ले रहा है, बी ले रहा है 40 दिन। तो ए का एक दिन का काम 1/25 और बी का एक दिन का काम 1/40, ये हम समझ चुके हैं, ठीक है। दोनों ने काम स्टार्ट किया, पूरा काम 24 दिनों में समाप्त हो रहा है। इसका मतलब मैं ये कह लेता हूँ कि एक्स दिन तक ए और बी ने कार्य को किया है। अब पूरा जो काम है ना, दोनों मिलके पूरे काम को 24 दिन में ले रहे हैं, जिसमें ए और बी इसको एक्स दिनों तक कर रहे हैं, फिर ए छोड़ के चला गया है, तो बचा काम कौन करेगा, यहाँ पर बी करेगा। और 24 में से एक्स दिन तो गुजर चुके हैं, जब दोनों साथ में किए थे तो कितना दिन बचेगा हम बी अकेले के लिए, ये बचेगा 24 - x, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा एक्स इंटू 1/25 प्लस 1/40, ठीक, 1/ यहां पर हो जाएगा 1/40 प्लस 24 - x मल्टीप्लाइड बाई, यहां पे कौन a छोड़ दिया है तो कर कौन रहा है, सिर्फ b कर रहा है, और b का कितना है 1/40, और ये क्या हो जाएगा 1, ये हमारा इक्वेशन है। अब x दोनों का एलसीएम लिए, ये दोनों का एलसीएम कितना आया हमारे पास, आया 225 से भाग किए तो 8, और 10 40 से भाग किए तो 5, 8 और 5 13 प्लस ये आया 24 - x, ये आया 24 - x बटे यहाँ पर क्या हुआ 40, ये हमारे पास आया, ठीक। फर्दर अच्छा इक्वल टू 1 है ना, इक्वल टू 1 क्योंकि पूरा कार्य एक मान के चलते हैं। दोनों का अगेन निकाला एलसीएम, दोनों का अगेन एलसीएम कितना आया 200 आया, ऊपर में मेरे पास आया 13 x प्लस इससे भाग के तो 5 आया, 24 * 120 - 5 x बराबर 1, 8 x प्लस 120 बराबर 200, 8x बराबर माइनस किए तो 80, यहाँ पर x बराबर 80/8 कितना आया 10, मतलब 10 दिनों तक a और b ने साथ में काम किया है, फिर a काम छोड़ के चला गया है और बाकी काम b ने 24 दिनों में किया है, तो a कितने दिनों बाद काम छोड़ के गया है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10। अब a और b मिलकर एक काम को 18 दिनों में कर सकते हैं, मतलब 1/a प्लस 1/b ये कितना है 1/18, ये हम समझ चुके हैं। 6 घंटे a के जाने के बाद b को शेष कार्य करने में 36 घंटा लगता है, ठीक है। आफ्टर 6 आवर्स a लीव्स, b टेक्स 36 आवर्स टू फिनिश द रेस्ट ऑफ द वर्क, मतलब दोनों साथ में काम किए और उसके बाद फिर क्या a काम छोड़ के चला गया है और बचा हुआ काम वहाँ पर b क्या कर रहा है उसको 36 दिनों में कर रहा है। इसका मतलब 6 तक 1/a प्लस 1/b है और इसके बाद अगले 36 तक सिर्फ कौन है a छोड़ा तो कौन है 1/b है और काम पूरा समाप्त हो गया, ठीक है। यदि वह अकेले करता है तो काम उसको कितने दिन में पूरा करना पड़ेगा, मतलब अपने को इसका स्पीड निकालना है, किसका स्पीड निकालना है एक b का अपने को स्पीड निकालना है, ठीक। ये हमारे पास कितना आया 18 आया, यहाँ तक पोर्शन क्लियर हुआ। तो ये जो पोर्शन है यहाँ पर 6 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 6 × 1/18 है ना भाई, 6 × 1/18 प्लस 36/b इक्वल टू 1, एक बार में 3 बार में, तो ये 1/3 आया। जब यहाँ लाके माइनस करेंगे तो हमारे पास 36/b इक्वल टू 2/3 आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 2b इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई किए तो 108, b इक्वल टू 108/2 कितना हो जाएगा 54, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो b अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा 54 दिनों में पूरा करेगा। इसके हाई लेवल क्वेश्चन आएंगे ना, चिंता मत करिए, इसके हाई लेवल क्वेश्चन अगले पोर्शन होगा, अगले पार्ट में इसके हाई लेवल क्वेश्चन यूनिटरी मेथड के साथ में लेके आऊंगा, ठीक, और उसी में आपका पाइप्स एंड सिस्टम साथ में सब कवर हो जाएगा,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। तो क्वेश्चन को जिस प्रकार है, ए ने काम शुरू किया और 9 दिन बाद काम करना छोड़ दिया और बी ने शेष काम को 24 दिन में पूरा किया। इसका मतलब 9 दिन तक ए काम किया और 24 दिन तक बी काम किया तो उस काम को समाप्त कर लिया। अगला बोल रहा है यदि ए ने 13 दिन तक काम करने के बाद काम छोड़ दिया तो बी शेष कार्य को अगले 18 दिनों में पूरा कर सकता है। तो मतलब 13 दिन तक ए काम किया है और 18 दिन तक बी काम किया है तो वह काम समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हो गया, रैखिक समीकरण आ गया, दो चर वाला लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आ गया। अब ए और बी का वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पर 13 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई किए तो उस कंडीशन पे कितना आया, 117A प्लस 312B इक्वल टू 13, 117A प्लस 162B इक्वल टू 9 कैंसल हुआ, यहाँ माइनस किए तो ये मेरे पास आया 150B इक्वल टू 4, तो B इक्वल टू 4/150 जिसका वैल्यू हुआ 2/75। मतलब B का एक दिन का काम 2/75 है B का एक दिन का काम। ठीक, अब अगर सपोज B को हम यहाँ पे लगा के चलते हैं तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली हम क्या करते हैं, ए का वैल्यू निकालते हैं, कैसे करेंगे। अब यहाँ पे क्या दिया, 24 और 18 का LCM निकालेंगे तो ये आएगा 72। तो 24 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 72 आएगा 3 से, इसीलिए इस समीकरण को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 18 को किससे गुना करूंगा, 72 आएगा, या 72 को 18 से भाग किया तो कितना आया, 4 आया, तो इस समीकरण को 4 से गुना कर दिया। तो ऐसा करने पर अब यहाँ पे ऊपर में 3 निया 27A प्लस 24 दिया 72B बराबर 3, नीचे 4 से किए तो कितना हुआ, 13 चौक 52A प्लस 72B इक्वल टू 4। इसको इससे माइनस करते हैं, इसको इससे माइनस करते हैं तो उस कंडीशन, चलो इसको इससे माइनस करते हैं, तो -25A इक्वल टू -1 कटा तो A का एक दिन का काम कितना आया है, 1/25। अब अगर दोनों मिलके A और B दोनों मिलके उस काम को करेंगे तो 2/75 B का काम है और 1/25 B का काम है। ठीक, सॉरी, ए का काम 1/25 है, बी काम 2/75 है, लघुत्तम कितना आया 75, ये आया 2 और ये आया 3, तो 5/75 जिसका वैल्यू कितना होगा, 15, और ये हमारा आंसर होगा। दोनों मिलके उस कार्य को 15 दिनों में समाप्त करेंगे। ये प्रश्न आपका है कि ए 16 दिन, बी 36 दिन और सी 48 दिन में कर सकते हैं, ए और बी और सी एक साथ काम करना करते हैं। ठीक है, देखिए ए लिया 16 दिन, बी ले रहा है 36 दिन और सी ले रहा है 48 दिन। ठीक, तीनों का लघुत्तम निकाले तो कितना हुआ, 288 हमारे पास आया। ठीक है ना, 288, 16 से भाग किए तो 18 यूनिट, 36 से भाग किए तो 8, 48 से किए तो 6। मतलब ए अकेला एक दिन में 18 यूनिट काम करेगा, बी अकेला एक दिन में 8 यूनिट काम करेगा और सी अकेला एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा और हमारे पास 288 यूनिट है काम करने। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, 4 दिन बाद ए छोड़ दे रहा, मतलब 4 दिन तक तीनों काम किए हैं। अगर 4 दिन तक तीनों काम किए हैं, अगर एक दिन तीनों काम करते हैं, 18 8 कितना हो गया, 26 कितना हो, 32, तो 32 दिन तक तीनों काम किए, चारों काम किए, सॉरी
तो हमारे पास 128 यूनिट काम हो चुका है, बचा कितना यूनिट है? हमारे पास बचा है 160 यूनिट काम बचा है, क्योंकि 288 में इन्होंने 4 दिन तक काम करके 128 यूनिट काम को समाप्त कर लिया, तो बचा 160 यूनिट है। ठीक, उसके बाद फिर 5 दिन बाद सी भी चला गया, पहले तो ए चला गया, ठीक है ना भाई, पहले ए चला गया, उसके बाद क्या बी भी चला गया, कितने दिन? 5 दिन बाद, मतलब 5 दिन तक कौन क्या होगा, बी और सी किए होंगे, 8 और 6 कितना हुआ, 14 हुआ, 8 और 6 कितना हुआ, 14 हुआ, तो 5 × 14 मतलब 70 काम और जा और हो चुका है, तो बचा कितना यूनिट काम है, 90 यूनिट काम है, 90 यूनिट काम बचा है, तो सी उसे कितने दिन में करेगा, तो सी एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है और हमारे पास बचा है 90 यूनिट काम, तो इस 90 यूनिट काम को करने के लिए उसे 15 दिन लगेगा, तो सी शेष कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15। ठीक है, हाँ याद रखना, ये भी आपको पूछ सकता है कि ए ने कुल कितने दिन काम किया या पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, ये बोलेगा आपको पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो 15 दिन तक कौन किया था, सी अकेला किया था, 4 दिन तक, 5 दिन तक और काम हुआ था, और शुरू में 4 दिन तक और काम हुआ था, तो कितना हो जाएगा 15 और 5 कितना होगा 20, 20 और 4 कितना हो जाएगा 24, ये बोला है कि सी ने कुल कितना दिन काम किया, तो सेम हमारा आंसर कितना हो जाएगा 24, क्योंकि सी कार्य को कहीं पर भी नहीं छोड़ा है। बी ने कुल कितने दिन काम किया, बी ने कुल कितने दिन काम किया, तो बी पहले 4 दिन तक किया है और उसके बाद यहाँ पर कितना दिन काम किया है और 5 दिन काम किया है, तो बी ने टोटल 9 दिन काम किया, ये आपको अलग अलग तरीके से आपको पूछ सकता है। ठीक, चलिए, ए एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, ए एक काम को 10 दिनों में कर सकता है और बी उसे 12 दिनों में कर सकता है, बी उसे 12 दिनों में कर सकता है, एलसीएम कितना हुआ 120, मतलब टोटल 120 यूनिट काम है हमारे पास, टोटल 120 यूनिट काम है हमारे पास, सॉरी दो लग उत्तम ना, ए उस काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उस काम को 12 दिन में कर रहा है, तो लघुत्तम कितना आया 60, टोटल हमारे पास 60 यूनिट काम है, ए एक दिन में 10 आया तो इसका मतलब एक दिन में 6 यूनिट काम किया और ये एक दिन में कितने यूनिट काम किया 5, तो टोटल 60 यूनिट में ए एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है, बी 5 यूनिट काम कर रहा है, वे 3 दिन तक एक साथ काम करते हैं, ठीक है भाई 3 दिन तक एक साथ काम किए, तो 6 × 5 = 11, 11 × 3 कितना हुआ 33, 33 यूनिट काम हो चुका है, तो बचा कितना है हमारे पास 27 यूनिट काम है, ठीक है, और ए अकेला ही जारी रखता है, ए अकेला उसके बाद क्या कर रहा है जारी रख रहा है, तो ए एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है, ठीक, अगले 2 दिन तक काम किया तो कितना हुआ 2 × 6 मतलब 12 यूनिट काम और कर चुका है, तो 27 में से 12 गया तो बचा कितना 15 यूनिट काम बचा है, ठीक है, कितना बचा है 15 यूनिट काम बचा है, उसके बाद सी शामिल हो जाता है और 2 दिन में और काम पूरा हो जाता है, मतलब सी ज्वाइन करता है, सी ज्वाइन करता है तो 2 दिन में 15 यूनिट काम को कर रहा है, ठीक है भाई, जो बचा 15 यूनिट काम है, ये जो 15 यूनिट काम है 2 दिन में कौन कर रहे हैं, ए और कौन कर रहा है, सी कर रहा है, तो ए और सी मिल के एक दिन में 15/2 मतलब 7.5 यूनिट काम को करेंगे, ठीक है, ए और सी मिलके एक 7.5 यूनिट काम करेंगे और ए अकेला ही एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है, तो सी अकेला उस एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा 1.5 यूनिट काम करेगा, और अगर पूरा काम अकेले सी करेगा तो उसे कितना लगेगा, पूरा कितना है 60 यूनिट काम है, एक दिन में 1.5 यूनिट काम कर रहा है, तो पूरा काम उसे 40 दिन की अवधि लगेगी उस पूरे काम को समाप्त करने में। चलिए अगला प्रश्न आते हैं, अगला प्रश्न आते हैं, ये बोल रहा है ए बी और सी ने एक काम को क्रमशः 24, 30 और 40 दिनों में किया, ए ले रहा है 24 दिन, बी लेवत है 30 दिन और सी लेवत है 40 दिन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, टोटल एलसीएम निकाले तो एलसीएम आया हमारे पास 120,
मतलब टोटल 120 यूनिट काम है, ठीक है। इसका एक दिन का काम 5, इसका एक दिन का काम 4 और इसका एक दिन का काम 3, ठीक है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले ही काम को छोड़ दिया। मतलब सी अंत तक काम नहीं कर रहा है, सी क्या कर रहा है, सी क्या कर रहा है कि 4 दिन पहले काम करना छोड़ दे रहा है। सी ने 4 दिन पहले यहाँ पर क्या कर रहा, काम करना यहाँ पर क्या कर दे रहा है, छोड़ दे रहा है, ठीक। तो 4 दिन पहले काम छोड़ रहा है, तो इसका मतलब लास्ट के 4 दिन तक, लास्ट के 4 दिन तक कौन काम कर रहा है, ए कर रहा है और बी कर रहा है, क्योंकि कौन काम छोड़ रहा है, सी काम छोड़ रहा है ना भाई। तो अंत के 4 दिन तक यहाँ पर ए और बी के द्वारा काम, कितना काम किया गया, ए कितना कर रहा है 4 और बी, ठीक, सॉरी बी कितना कर रहा है 4, ए कितना कर रहा है 5, 4 और 5 कितना हुआ 9, तो 4 × 9 तो कितना हुआ 36। मतलब 120 में से यहाँ पर 36 यूनिट काम को हो चुका है, तो बचा कितना यूनिट, हम जब इससे माइनस करेंगे तो इसका मतलब 84 यूनिट काम को बचा हुआ है। 84 यूनिट को काम को अपन लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपन लोग 84 यूनिट काम हमारे पास बचा हुआ है, ठीक। अब ये जो 84 यूनिट है ना, उसको कौन कर रहा है, ए बी और सी, मतलब स्टार्टिंग में जो बचा था ना, जो स्टार्टिंग में जो बचा हुआ था काम, उसको कौन कर रहा था, ए बी और सी कर रहा था, क्योंकि भाई सी आखिरी में छोड़ा ना, तो सी आखिरी में छोड़ा मतलब शुरुआत में तो कर ही रहा है। तो यहाँ पर 5 × 4 = 9, 9 × 3 कितना हुआ 12, 12 से डिवाइड किए तो कितना हुआ 7, मतलब 7 दिन तक ए बी और सी ने किया। अगर ये बोलेगा कि सी ने कितना दिन तक काम किया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 दिन तक। और अगर ये बोलेगा कि कार्य पूरा कितने दिन में समाप्त हुआ है, तो अंत के 4 दिन तक काम कौन किया है, ए और बी, और शुरू के 7 दिन तक ए बी और सी किए, तो पूरा कार्य कितना हो जाएगा, 11 दिनों में समाप्त होगा। सारा वैरायटी लेके आया हूँ, ठीक, और लास्ट में वीडियो समाप्त होगा तो कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा यूनिटरी मेथड के, ठीक, पाइप और टंकी के भी, ताकि अपन जब अगला वीडियो आए तो हमारा कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस ख़त्म होंगे तो उसके साथ में बने रहना, पाइप और टंकी का यूनिटरी मेथड का बेस बताऊंगा, ठीक। चलो, हाँ, ए बी और सी एक काम को, ए बी और सी, ए ले रहा कितना दिन, 24 दिन, बी ले रहा कितना दिन, 36 दिन, सी कितना दिन ले रहा, 48 दिन। यहाँ तक क्लियर हुआ, ये तीनों का हमारे पास आ गया। पहला काम, तीनों का एलसीएम लिए, एलसीएम कितना हुआ 288, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ए 24 के हिसाब से करेंगे तो कितना हुआ 12, 8 और 6, मतलब ए एक दिन में 12 यूनिट काम करेगा, बी 8 यूनिट काम करेगा और सी 6 यूनिट हमारे पास काम करेगा, ठीक है, ये हम समझ गए। अब कंडीशन क्या बोल रहा है, बी पूरा होने से 7 दिन पहले चला जाता है और ए पूरा होने से 3 दिन पहले चला है। छोड़ कौन कौन रहा है, बी भी छोड़ रहा है और ए भी छोड़ रहा है, लेकिन बी क्या कर रहा है, बहुत पहले छोड़ रहा है, कब, 7 दिन पहले, और ए क्या कर रहा है, 3 दिन पहले। इसका मतलब अंतिम के 3 दिन में बी तो पहले छोड़ चुका है, ए भी छोड़ चुका है, तो अंत के 3 दिन तक कौन काम किया है, अंत के 3 दिन तक सी काम किया, क्योंकि ए छोड़ दिया है, अब बी तो 7 दिन पहले छोड़ दिया है, तो इसका मतलब अगले 4 दिन तक, अगले 4 दिन तक यहाँ पर कौन किया था अपने पास, ए के साथ में कौन किया था, सी किया था, और बाकी काम तो पूरा जारी कौन रखा है, ए पूरा जगह जारी रखा है, मतलब शुरू में तीनों काम किए, ठीक है। तो शुरू में यहाँ पर कौन काम किया अपने पास ये देख लेते हैं, ए बी और सी यहाँ पे शुरू में उन्होंने काम चालू किया। अब 3 और 4 कितना हुआ, 7 हुआ, 1 = 7, तो 7 दिन पहले कौन छोड़ा, बी छोड़ा, उसके बाद अगले 4 दिन तक कौन किया, मतलब उसके बाद अगले 4 दिन तक काम कौन करेगा, ए और सी करेगा, और 3 दिन पहले ए भी काम छोड़ के जा रहा है, तो काम कौन करेगा, सी करेगा, तो सी पूरे कार्य में शुरुआत से लेकर अंत तक बना हुआ है, ठीक है। तो हमको ये बोला है काम कितने दिनों में खत्म होगा, काम
कितनी दिनों में यहाँ पर क्या होगा, समाप्त होगा, ये हमको दिया है, ठीक, ये हमको यूनिट वाला काम हमको दे दिया है, ठीक है ना। अच्छा, 3 दिन तक का सी, 6 यूनिट एक दिन में, 3 छक्के 18 यूनिट काम हो चुका है, ए और सी 12 6 18 18 18 × 4 72 यूनिट काम और हो चुका है, 90 यूनिट काम हो चुका है। समझ में आ रहा जो बात, 288 में 90 यूनिट काम हो चुका है, तो बचा कितना, 198 यूनिट हमारे पास काम बचा, और काम कौन कर रहा है, यही तीनों मिलके कर रहे हैं, तो 12 8 20 20 और 6 कितना हुआ, 26, कितना हुआ 26, तो यहाँ पे 26 से हमने डिवाइड किया तो ये हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 99/13, 13 7 91 बचा कितना, 6 7 6/13 7 6/13 99 से काटे ना अपन लोग, हाँ बिल्कुल, 13 2 से काटे अपन लोग कितना हुआ 90 माइनस किए तो, हाँ 198/26 नहीं, अच्छा 7 6/13 आ गया, अपने क्या करना, अपना काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, ठीक है ना। अच्छा सही है, सॉरी ये होगा भैया, और मिस्टेक हो गया, 13 7 98/13 ये हमारे पास होगा, ठीक। तो इसका मतलब तीनों ने कितने दिन तक काम किया, 7 8/13। पूछा क्या है, पूछा हमको, बोला काम कितने दिनों में समाप्त होगा, काम समाप्त कब होगा, जब इसके साथ में ये दोनों भी जोड़ेंगे ना, 4 और 3 जोड़ेंगे, 4 और 3 कितना होगा, 7 हम और जोड़े तो कितना हो जाएगा, 14 8/13 ये हमारा आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन में याद रखना, आपको हमेशा कंफ्यूज करेगा, आपको बोलेगा पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, शेष काम कितने दिन समाप्त, तो कौन काम कब छोड़ा, कब ज्वाइन किया, ये आपको अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा तो आपको ऐसा कंफ्यूज कर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा एक मिनट, इसमें ध्यान देंगे क्वेश्चन में, यहां पर क्या था, बी लिव्स बिफोर कंप्लीशन वर्क एंड ए लेफ्ट बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क, यहां पर आफ्टर और बिफोर है ना। सोमेश तरुण और निखिल ने एक कार्य को अलग अलग 45 60 और क्या हुआ 75 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो भाई पहला काम सोमेश तरुण और निखिल कर लेते हैं, कितना कितना दिन है, 45 60 और 75, इनका लघुत्तम निकाल लेते हैं, इनका लघुत्तम कितना हो जाएगा, 15 से 3 हो जाएगा तो 3 बार में 4 बार में और 5, 15 45 45 × 4 कितना हो जाएगा, 180 × 5 900, ठीक। तो इनका लघुत्तम कितना आया, मतलब हमारे पास टोटल 900 यूनिट काम है, 45 के हिसाब से 20 यूनिट, 60 के हिसाब से 15 यूनिट, 75 के हिसाब से 12 यूनिट, मतलब सोमेश एक दिन में 20 यूनिट काम करेगा, तरुण 60 यूनिट और नितिन क्या करेगा अपने पास 12 यूनिट काम करेगा। अब हो क्या रहा है, दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर बट निखिल लेफ्ट आफ्टर 5 डेज, निखिल ने 5 दिन बाद काम छोड़ दिया, लेकिन 5 दिन तक तीनों साथ में काम किए थे ना भाई, अगर तीनों साथ में किए थे तो 20 और 15 कितना, 35 35 और 12 कितना हुआ, 47 दिन तक तीनों काम किए हैं, 47 दिन काम किए हैं, और कब किए अपने पास, 5 दिन बाद काम छोड़ा, मतलब 5 दिन तक साथ में काम किए, तो कितना हुआ, 47 × 5 ये हमारे पास हुआ 235, मतलब 900 में से 235 यूनिट काम हो चुका है, तो बचा कितना हमारे पास, यहाँ पर बचा 5, यहाँ पर बचा 6 और यहाँ पर बचा हमारे पास, एक कैरी फॉरवर्ड किए ना तो 6, अब हमारे पास 665 यूनिट काम बचा हुआ है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, निखिल काम छोड़ दे रहा है, समझना, निखिल यहाँ पर काम छोड़ दे रहा है, ठीक है, और सोमेश काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दे रहा है, मतलब जब काम एंड की ओर था ना, 2 दिन पहले सोमेश भी वहां पर क्या कर दिया, छोड़ दिया है, इसका मतलब लास्ट के 2 दिन तक कौन अकेला काम किया, बेचारा तरुण अकेला लास्ट के 2 दिन तक काम किया, क्योंकि सोमेश भी आखिरी में छोड़ दिया है, तो तरुण एक दिन में कितना काम कर रहा है, 15 यूनिट काम कर रहा है, तो 2 दिन में वो 30 यूनिट काम को भी कर चुका है, तो बचा इसके पास कितना है, बचा हमारे पास 635 यूनिट काम है, ठीक। पहले निखिल छोड़ा था और लास्ट में
कौन छोड़ा है? लास्ट में सोमेश छोड़ा है, तो बीच की ये अवधि है, वहाँ कौन काम कर रहा है? तरुण और सोमेश काम कर रहे हैं। कौन कर रहा है? तरुण और सोमेश। तो तरुण और सोमेश यहाँ पर 20 और कितना हुआ, 20 और 15 कितना हो जाएगा, 35। ये हुआ 35, ये अवधि है जब सोमेश और तरुण ने यहाँ पर काम को किया है। 5 से काटे, 12 पंचे 60, 127 बटे क्या हो जाएगा 7, भाग करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 18 एक बटे 7, मतलब दोनों ने 18 एक बटे 7 दिन तक काम हमारे पास किया है। ठीक है, अच्छा पूछा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो भाई शुरू में यहाँ पर क्या हुआ, शुरू में 5 और वहाँ पर लास्ट में 2, इसमें 7 और प्लस होगा, इसके साथ में यहाँ पर क्या होगा, 7 और जुड़ेगा ना, क्योंकि शुरू के 5 दिन तक और अंत का 2 दिन हम जुड़े नहीं है, तो दोनों प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 एक बट्टे 7 ये हमारा उत्तर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले प्रश्न में आते हैं। ए दिया है ए प्लस बी प्लस सी, ये हमको दिया है, कितना दिन दिया है, ये हमको दिया है 4। ठीक है, ए और सी का कितना दिन दिया है, ए और सी का ये हमको दिया है 4.5 दिन। ठीक, बी और सी का ये हमको कितना दिन दिया हुआ है, 12 दिन। ठीक, लघुत्तम निकालते हैं, ये हो जाएगा 36, इससे भाग के तो एक दिन में 9 यूनिट, एक दिन में 8 यूनिट और एक दिन में 3 यूनिट, यहाँ तक समझ में आया? ठीक, ये ठीक है, ये हमको दिया, मतलब यहाँ से हम क्या समझ रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलके एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहे हैं, जिसमें a और c अगर ये दोनों काम किए तो एक दिन में 8 यूनिट काम हुआ है। ठीक, और बी और सी कर रहे हैं तो एक दिन में कितने यूनिट काम हो रहा है, एक दिन में 3 यूनिट काम हो रहा है। ठीक है ना, ऐसा ही है। ठीक, तो बोला क्या हमको, देखो सी अकेला का पूछा, किसका पूछा, सी अकेला का पूछा है। ए बी और सी कितना दिया हमारे पास, ए बी और सी हमको कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, जिसमें ए हमको निकालना क्या, सी का। ठीक, सॉरी, ए और सी कितना दिया है, 8, ए और सी 8 दिया है, तो ऑटोमेटिकली बी कितना आ जाएगा, 1, तो अगर बी 1 रखे तो सी कितना आ जाएगा, 2, इसका मतलब सी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और हमको कितना यूनिट काम करना है, 36 यूनिट काम करवाना है, तो कितना दिन लगेगा, 18 दिन लगेगा उस काम को पूरा करने में। अगला क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, ट्राई करिए आप लोग, फिर बनाता हूँ। ये क्वेश्चन की प्रायोरिटी पे डिपेंड रहेगा ना, हम इस पर यूनिट मेथड लगाएंगे कि वन डे मेथड लगाएंगे, ठीक, जैसा कंफर्टेबल लगे उसके हिसाब से। एंड यू आर गिविंग सी सेट, सो यू हैव एम्पल टाइम फॉर दिस वन ना, फॉर दोज हु आर गिविंग अदर एग्जाम्स लाइक व्यापम एंड बैंकिंग, दे हैव वेरी लेस टाइम। ओके, एक काम को ए और बी द्वारा 10 दिनों में, तो पहला काम ए और बी 10 दिन में ले रहा है, तो इसका मतलब 1/a + 1/b = कितना हुआ, 1/10, ये पहला पोर्शन। ठीक, 1/b + 1/c कितना हो रहा, 15 दिन, 1/b + 1/c = 1/15। ठीक है, और सी और ए द्वारा 20 दिनों में, मतलब 1/c + 1/a यहाँ पर क्या हो रहा है, 1/20। ठीक है, पहला काम, उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है, तीनों ने क्या किया, 6 दिन तक काम किया है और फिर ए काम से हट गया। ठीक है ना, बी और सी ने 4 दिन तक काम किया और बी ने काम करना बंद कर दिया, तो शेष कार्य को पूरे होने में कितना दिन लगेंगे, इसका मतलब क्या है कि पहले ए छोड़ा है, ठीक, बी और सी ने काम किया, फिर बी भी छोड़ दिया, तो सी अंतिम तक जूझ रहा है, सी क्या कर रहा, अंतिम तक जूझ रहा है। ठीक है, अच्छा पहला काम क्या करते, कंबाइन निकाल लेते हैं, पहला क्या कर लेते हैं अपन लोग, कंबाइन निकाल लेते हैं। यहां पर अगर तीनों को जोड़ा तो 1/a 2 बार आया है, 1/b 2 बार आया है, 1/c भी यहां पर कितने बार आया है, 2 बार आया है, कितने बार आया है, 2 2 बार आया है, तो 2 कॉमन लिए
और वहाँ पर क्या बचा, 1/a + 1/b + 1/c आया। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर हम इन सब को प्लस किए तो 10, 15 और 20 का लघुत्तम कितना आया, ये हमारे पास आया 60 आया। इससे भाग किए तो 6, इससे भाग किए तो कितना आया 4, और इससे भाग किए तो कितना आया 3। यहाँ तक आया समझ में? तो 1/a + 1/b + 1/c इक्वल टू 6, 4, 10, 3, 13, 13/ कितना आ जाएगा, 13/120, ये हमारे पास आ गया। क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बोला है कि अंत तक पहले a छोड़ रहा है फिर b छोड़ रहा है, मतलब शेष c अंत तक कार्य में डटा हुआ है, तो हमको पहले c का निकाल लेते हैं, c वह कार्य कितने दिनों में करेगा, c वह कार्य कितने दिनों करेगा, पहले अपन वो देख लेते हैं। c अकेला बोलेगा तो यहाँ पे हम रख देते हैं। अच्छा देखिए, 1/a + 1/b कितना, 1/10 है, ठीक। तो ये जो वैल्यू है अगर मैं इसको 1/10 रख दिया, ठीक है, तो यहाँ पर 1/10 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/10 + 1/c इक्वल टू 13/ क्या हो जाएगा 120, और वहाँ जाके माइनस किया तो 1/c = 3/120, मतलब 1/40। तो सी का एक दिन का काम 1/40 हमारे पास आ चुका है। और हम ये जानते हैं कि कहीं पर भी पूरा कार्य जब हम वन डे लेके चलते हैं तो पूरा कार्य क्या होता है, एक दिन का हम लेके चलते हैं। तीनों ने 6 दिन तक काम किया, तीनों ने 6 दिन तक काम किया, 6 दिन तक कौन काम किया, ए बी और सी ने 6 दिन तक काम किया, फिर ए छोड़ के चला गया है, फिर अगले 4 दिन तक बी और सी ने किया है, और उसके बाद बी भी काम छोड़ के चला गया, सी काम कर रहा है मान लो एक्स दिन तक और उस काम को समाप्त कर ले रहा है। तो 6 दिन तक ए बी और सी के द्वारा किया गया काम कितना है, 13/120 प्लस 4 दिन तक बी और सी कितना दिया है, बी और सी कितना दिया है एक दिन में, 1/15, तो मतलब 1/15 प्लस सी के साथ में यहाँ पर सी को क्या कर रहा है, मान ले सी एक्स दिन तक कर रहा है, सी क्या कर रहा है एक्स दिन तक कर रहा है, ठीक है। चलो एक्स दिन तक सी का कितना है, 1/40, ठीक है, सी एक दिन में करा मान लेते हैं, तो बराबर क्या हो जाएगा, एक बार में 20, ठीक है ना। तो x/40 बराबर होगा 1 - 4/5 - 13/20। ओहो, बी और सी का कितना है भाई, बी और सी का 15 है, ठीक है, अच्छा ठीक, माइनस 13/ कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 होगा। लघुत्तम कितना है हमारे पास, 60 आया, इससे किए तो 60, ठीक है, इससे किए तो कितना आया 60, माइनस इससे के 400 कितना हुआ 16, 4 × 16 माइनस इससे किए तो 20 आया, 13 × 3 कितना हो जाएगा, 13 × 3 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, ठीक, ये हमारे पास आया। तो इक्वल टू ये जो आया 60 में से, सॉरी ये दोनों प्लस किए, 16 और ये दोनों प्लस किए तो कितना हो गया हमारे पास 55 हुआ, ठीक, 60 में से 55 गया तो कितना बचा हमारे पास, 5 बचे 60, कितना हुआ 1/12, ठीक, 1/ क्या हुआ 12 आया। तो इसका मतलब सी कितना दिन तक काम किया है, सी ने 12 दिन तक काम किया, ठीक है। पूछा क्या है, शेष कार्य को कितने दिन पूरा करेगा, अच्छा डायरेक्टली अपना आंसर आ गया, कितना हो जाएगा 12, ठीक। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें लंबा समय लगेगा, तो घबराने का नहीं है उसमें, ठीक है, लगे रहना उसमें ना। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, अनमोल विनय से 3 गुना अच्छा कारीगर है, ये आपको पहले बता दिया हूं, जो एफिशिएंट होगा, जो कार्य में अधिक कुशल होगा, वह कार्य यहां पर क्या लेगा कम, वह कार्य करने में दिन क्या लेगा, अवधि कम लेगा, और जो कम कुशल होगा वो दिन यहां पर क्या होगा, ज्यादा लेगा, ये आपको पहले ही आपको बता चुका हूं। अनमोल विनय से 3 गुना अच्छा कारीगर है, इसलिए वह काम को 60 दिन कम में पूरा करने में सक्षम है, वे एक साथ काम करते हुए उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हमारे पास पहला आया अनमोल और यहाँ पर विनय, और यहाँ पर उनके एफिशिएंसी की बात करते हैं। अनमोल विनय से 3 गुना अच्छा कारीगर है, अनमोल विनय से 3 गुना अच्छा है, तो अगर ये x इसकी एफिशिएंसी होगी तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 3x होगी। नंबर ऑफ डेज में क्या हो जाएगा, ऑपोजिट, विनय लेगा 3x और अनमोल लेगा x दिन,
और वह इस काम को विनय से 60 दिन कम में पूरा करता है। ये 3x दिन लिया और ये 1x दिन लिया, तो दोनों में कितने दिन का कम ज्यादा है? 2x दिन का कम ज्यादा है। और यहाँ पर कितने दिन कम ले रहा है? 60 दिन। 2x बराबर 60, x बराबर 60 बट्टे 2 कितना आया? 30। कितना आया? 30 दिन आया। इसका मतलब ए उस काम को 30 दिनों में पूरा करेगा और विनय उस काम को 30 दिया 90 दिनों में पूरा करेगा। और हमको क्या बोला है? हमको ये बोला है कि दोनों उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 30 और 90 का हमने एलसीएम निकाला तो ये 90 आया। तो ये एक दिन में 3 यूनिट, ये एक दिन में 1 यूनिट, दोनों एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 45 बटे 2 और 22 1 बटे 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हियर कम्स द लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लेके आने का एक रीजन है, इसमें मैं बाद में बताऊंगा कि और उसको शॉर्टकट तरीके कैसे कर सकते हैं। पहले वनडे मेथड से चलते हैं। वनडे मेथड में क्या बोल रहा है? ए और बी एक काम को 36 दिनों में पूरा कर रहा है। तो आपको पुराना वाला आपको याद होगा, 1 upon A + 1 upon B = 1 upon 36, 1 upon B + 1 upon C = ये कितना हो जाएगा? ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 1 upon 60। और 1 upon A + 1 upon C = कितना हो जाएगा? ये हमारे पास होगा कितना दिया? 45 दिन। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? ठीक है ना भाई? अच्छा, तीनों का प्लस किए तो यहां पर कितना, ये हम समझ गए। दो के साथ में क्या होगा? 1 बटे A + 1 बटे B + 1 बटे C, ठीक है ना? इक्वल टू, यहाँ पर हमने देखा 36, 60 और 45 का लघुत्तम कितना आया? 180। इससे भाग किए तो 5, इससे भाग किए तो 3 और इससे भाग किए तो 4, ठीक है? तो 2 upon A + 1 upon B + 1 upon C = कितना हो जाएगा? 5, 3, 8, 8, 4, 12, 12 बटे कितना हो जाएगा? कट के कितना हो जाएगा? 15। तो यहाँ पर बचा 1 बटे 15 और ये दो इधर आ गया, तो मतलब 1 upon A + 1 upon B + 1 upon C = यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 upon यहाँ पर क्या होगा? 30 होगा। ठीक है, ये आपका यहाँ तक क्लियर हुआ। निकालना क्या है अपने पास? निकालना है हमको बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। बी आपको कहाँ नहीं दिख रहा है? आपको यहाँ आपको बी नहीं दिख रहा है। तो 1 upon A + 1 upon C कितना हुआ? 1 बटे यहाँ पर क्या हुआ? 45 हुआ। 1 बटे ये वैल्यू कितना हुआ? 1 बटे यहाँ पर क्या हुआ? 45। तो जब हम 1 बटे B निकालेंगे तो 1 बटे 30 - 1 बटे 45 करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? ये जो वैल्यू होगा ये हमारे पास ऑटोमेटिकली 1 बटे 90 होगा, क्योंकि 3 में से 2 गया तो 2 बटे यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, लघुत्तम क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका 90 होगा, 3 आएगा और यहाँ पर क्या होगा? 2 होगा। 3 में से 2 जाएगा तो 1 बटे 90 बचेगा। ठीक, ये हमारा पहला। अब अगर सपोज ऐसा मान लेते हैं कि ए और बी मिलकर एक काम को एक्स दिनों में, बी और सी मिलकर उस काम को वाई दिनों में और ए और सी मिलकर उस काम को जेड दिनों में करते हैं, तो वह तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? क्या बोलेगा? तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो ये होता है 2 × x into y into z upon x into y + y into z + z into x। ये हमारे पास होता है। ये कब बोलेगा? जब ये बोलेगा कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब किसी एक अकेला का पूछेगा, किसी क्या पूछेगा? किसी अकेले का पूछेगा। ठीक है, तो हमको अगर मान लो, सपोज मान लो हमको पूछा है किसका? बी का पूछा है। तो बी का पूछा है तो बी किसमें नहीं दिया है? बी आपको किसमें नहीं दिया है? बी मतलब हम लोग क्या लेके चले हैं उसको? हाँ, बी को अपन लोग बी इसमें नहीं दिया, मतलब ये जो वैल्यू है ना ये हमको किसमें दिया? अपने को जेड के इसमें नहीं दिया। तो यहाँ पर क्या होगा? जो एक्स और वाई को क्या होगा? माइनस लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे? एक्स और वाई को यहाँ पर क्या लेंगे? माइनस लेंगे। मतलब जिसका निकालना होगा ना, जैसे यहाँ पर आपको क्या दिया है? ए और सी दिया है, तो आप इसको छुपा लेंगे
और ये दोनों से कैलकुलेट करेंगे, माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, क्या निकलेगा, बी निकल जाएगा। अगर सपोज वाई को लिए तो यहाँ पर बी और सी दिया तो क्या बच, यहाँ पे बी और सी दिया तो क्या निकलेगा, ए निकलेगा। यहाँ पर ए और बी दिया तो क्या बचा, यहाँ पे ए और बी दिया तो क्या बचा, सी, तो वहाँ पर क्या निकलेगा, सी निकलेगा। उस चीज़ को याद रखना, हमको यहाँ पे निकालना है क्या है, बी का निकालना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ए और सी में जड़ को छुपा लिए हैं, तो एक्स और वाई में यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। अब कितना कितना दिया है, ए और बी में कितना दिया है, 2 × 36 × साथ में कितना दिया है, 60 × यहाँ पर कितना दिया है, 45 अपॉन माइनस एक्स इंटू वाई मतलब −36 × 60, ठीक है, −30 × 60 प्लस वाई इंटू यहाँ पर क्या दिया है, जड़, वाई इंटू जड़ मतलब 60 × यहाँ पर क्या हुआ, 60 × यहाँ पर क्या हुआ, 45, ठीक है। और साथ में यहाँ पे लास्ट में क्या है अपने पास, प्लस यहाँ पर 45 × यहाँ पर क्या हो जाएगा, 36। यहाँ तक होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारा क्या होगा, आंसर आएगा। अब ये भी हम मान लेते हैं कि भाई ये भी हम लोग कर रहे हैं, इससे बहुत लंबा कैलकुलेशन हमारे पास हो जा रहा है, ठीक है ना। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर बता रहा हूँ, चलिए देखते हैं इसको। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर क्या किया, 3 से काटा, तो यहाँ पर कितना बचा हमारे पास, 12। 3 से हमने यहाँ पर क्या, 3 से काटा इसको, ठीक, तो बचा कितना, x में जो क्या बचा है वो बचा है 12, y में क्या बचा है हमारे पास, 20 बचा है, और z में कितना बचा है हमारे पास, हमारे पास बचा है 15, ठीक है। अब x उस फॉर्मूले के हिसाब से 2 × 12 × 20 × 15 अपॉन, यहाँ पर अपन लोग क्या ले रहे हैं, नीचे हम लोग यहाँ पर क्या निकालना है, क्या हमको b का निकालना है, किसका निकालना है, b मतलब हमको a और c वाला नहीं देखना पड़ेगा, मतलब जड़ को माइनस, जड़ वाला क्या होगा, माइनस होगा, और x और y वाला क्या, सॉरी जड़ वाले को अपन छोड़ेंगे तो x और y वाला क्या होगा, माइनस होगा। तो ये क्या हुआ हमारे पास, माइनस हुआ, −12 × 20 −240 + 300 + 180, ये प्लस किए 480 − 240, तो बचा 240, 12 एक बार में, 12 20 बार में, 20 कैंसल हुआ, ठीक है ना, 20 यहाँ पर क्या हुआ, कैंसल हुआ, और 15 × 20 = 30 30 हुआ, ठीक। हमारे पास कितना आ गया, 30, हमने कॉमन क्या निकाला था, 3 निकाला था, 3 × 30 किए तो 90, ये हमारा आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।